सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतगुर आयो सरन तहारी मिले सुख नाम हर सुबा चिंता लाहे हमारी आवर न सूझे दूजी ठहर हर पर तो द्वारी लिख छूट हम निर्गुण लेहो वारी साध भक्त सिंध सदा मेहरवाना साध भक्त सिंध सदा मेहरवाना सबना दे आधारी नानक दास संतन पाछे परयो राख लिहो एह बारी नाले सुख मिलदा है नाले सोबा गुरु Thank you.
सतगुर आयो सरन तुहारी मिले सुख नाम हर सुबह चिंता लाहे हमारी सर्वत साध संगत जो अपने समय ते सुवासा नु सफल करन वास्ते अत दी गर्मी विच दुनियावी धंधे धंधारा तो छुटकारा पा के गुरु बाबा जी दे पावन पवित्र दरबार विच पहुंचे हो सत संगत हरि जस कीर्तन दे लाहे लैन वास्ते वडभागे हो जिन्हां नूं सत संगत दीआं घड़ियां सत संगत दा समां प्राप्त होया वड्डे भागां करके सत संगत दी प्राप्ति होया करदी है। सो आप सब अड़भागे हो जो हर महीने मिथे दिन ते गुरु के दरबार दियां हाजरियां भर के अपने मानक तन दे लाहे खट रहे हो। सो साध संगत ए संसार ए दुनिया ए जागत इस जागत दे लोक स्वार्थी ते पदार्थी हन। हर एक कार्ज दे पिछे कोई ना कोई कारण होया करदा है। इसे तरह साध संगत
ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਹਨ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਖਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ ਬਿਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਵਨ ਲੇਖ, ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੰਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਾਣ, ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਵਾਣ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ, ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ। Thank you.
ਸ਼ਾਵਨ ਲੇਪ ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਲਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਰਥਾਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਗਤ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪ ਮੰਜੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਾਣ ਪਾ ਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਬਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਦਿਆਂ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਸਿਸ਼ਠ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ 'ਤੇ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਅਚਾਨਕ ਰਾਮ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਛਾ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੋ ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਇਹ ਸੋਭਦਾਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਰਿਸ਼ੀ ਜੋ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੇ ਰਾਮ ਆਪ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ ਹੋ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਂਝ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸਨ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸਨ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਹੱਸਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ
संसार दे विच हसना ते रोना ये बिना कारण तो नहीं हो सकता। हसना ते रोना साध संगत ये मगर कोई ना कोई कारण जरूर होगा। बिना गल तो रो नहीं आया करता, अखा नहीं रोंदियां होंदियां, जदों हिरदे ते सट लगे ना ते साध संगत फिर ही अखा दे विच अथरू आया करदे। ते इसे तरह प्रसन्नता जिहड़ी है, हासा जिहड़ा ये भी साध संगत कोई चाह होवे कोई प्रसन्नता होवे फिर ही आया करदा है। हसना ते रोना एक कारण तो बिना नहीं है। साध संगत वशिष्ठ जी आखन लगे कहंदे राम तू भी धर्मात्मा है मैं भी ऋषि हाँ, की कारण है हसन का? बिना कारण तो कदे हासा नहीं आया करता, बिना कारण तो ना ही रोण आता ते ना ही बिना कारण तो बई किसी नूं हासा आया करता है। सभा लगी है, महापुरख बैठे है सारे, ते तुसी हसी जा रहे हो, इहदे पिछे कारण जरूर है। दसो, राम जी आखन लगे कारण की होना है? आ एक कीड़ा है ते मेरे सिंघासन ते चढ़न की कोशिश कर रहा है, मैं तां हसदा। कहिंदे नहीं, अजे भी गल स्पष्ट नहीं हुई, अजे भी विच उल है गल दे। बड़े जीव जंतु धरती ते तुरे फिरदे है, बड़े कीड़े मकौड़े इस धरती ते तुरे फिरदे, उन्हां वल वेख के कादा हसना? जे सिघासन ते चढ़ रहे ते इन्हां दा सुभाअ हुंदा है। अजे भी गल स्पष्ट नहीं हुई, अजे भी विच ओला, स्पष्ट करो। फिर राम जी ने दसना कीता कि मैं क्यों कीड़े दे वल वेख के हसया, इहदियां पिछलियां दो लत्तां टुटियां होईयां है ते मेरे सिघासन ते चढ़न की कोशिश कर रहा है। हे महापुरखो, ये कीड़ा 14 वारी इंद्र की पदवी पा चुके है, 14 वार स्वर्गां दा राजा बन चुके है, देवत्यां दा श्रोमणी देवता बन चुके है, पर ये सुख इंद्र की पदवी ये भी साध संगत सदीव नहीं है, थोड़े समय वास्ते है। अखीर फिर जूना दे विच गराया जांदा ते आ कीड़ा बनिया, पिछलियां लत्तां टुटियां, राज दी वासना अजे भी नहीं गई, अजे भी सिघासन ते चढ़न की कोशिश कर रहा, सिघासन का प्यार नहीं निकलिया हिरदे दे विच। 14 वारी इंद्र बन के बेअंत प्रकार दे नाना प्रकार दे सुख भोग चुके है, पर फिर अजे कीड़ा बनिया फिरदा ते अजे भी वासना खत्म नहीं हुई। साध संगत विचार करते सी सुखां दी ये तां आरजी हुंदे है, वड़े वड़े पदवियां वड़े वड़े सुखां तो बाद साध संगत फिर दुख आ जांदा, फिर साध संगत भटकना मुकदी नहीं, आना ते जाना साध संगत उसे तरह ही बनिया रहिंदा, जिवें दिन पिछों रात आ जांदी है ना, सर्दियां तो बाद फिर गर्मी आ जांदी है, इसे तरह साध संगत थोड़ा जा समा सुख ते जो आंतला रिजल्ट आउंदा है ओ फिर दुख, फिर सतगुरु कहिंदे आ गुरु तेग बहादुर महाराज कहिंदे तैनू जोगती दसदे आ इक
शर्म राम दी तक लै जे सुख शामै ये सुख शामै सदा। ते फिर करना की है भाई, शरण राम की ले। कहंदे गुरु दाते दी शरण दे विच आ, दुनियावी सुख तां छिन भंगर हन, अज हन कल नहीं होणगे। होर चार दिहाड़ियां नूं नहीं, जदों शरीर ही नहीं रहना ते साध संगत जिहड़े शरीरक सुख हन, जिहड़े केवल साध संगत शरीर ताकी ने, वह किवें रहणगे। एक आत्म आनंद हुंदा है, आत्म सुख होया करदा है, एक आत्मा दा रस है, एक साध संगत शरीर दा रस है। ते शरीर दे रसां दी बाबत बाणी ने कह दिता, जेते रस शरीर के तेते लग है दुख, जिन्ने रस उहने दुख। पिछली बार विचार शुरू कीती सी गुरु अंगद देव महाराज जी ते, के भाई पारो ते जुलका, भाई पारो जुलके ने पुछया सी महाराज, हंस ते परम हंस विच की अंतर हुंदा। ए लम्मी विचार साध संगत, अज इन्ना अपने पास समा नहीं है, अगली बार विचार करांगे। आओ विचार करदे सी, अगली बार विचार करांगे। आओ विचार करदे सी, जेते रास शरीर के तेते लग है दुख, उतने ही दुख मन मैगल साकत देवाना, बाणखंड मोहया बाणखंड माया मोह हैराना। ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ, ਮਨ ਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ।
प्राप्ति होंगी आत्मक सुख मिलता है साध संगत जिहड़ा शरीर दे सुखां तो बहुत उच्चा होया करदा है। किहड़ा सुख सी उह भाई मती दास तो पुछो आरे दियां दंदियां दे थले बाणी पढ़ रहे है सी कोई सुख के नहीं सी। भाई मणि सिंह नूं साध संगत पुछ के वेखो बंद बंद कटिया जा रहा तो मुखों पाठ करी जा रहा है सी सुख के नहीं कोई। एदा ही नहीं गल गुरबाणी का एक एक अखर साध संगत सच रूप है ते इस सच नू महापुरखा ने गुरसिखा ने अपने उपर ढाल ढाल के विखाया अपने उपर ना साल संगत ढाल ढाल के संसार नू विखा दिता बई। एक दफा पटियाले च साल संगत गुरमुख प्यारा कोई कथा कर रहा जीवन मुक्त दी जदों कथा हो रही है जीवन मुक्त पुरश ते कहिंदे प्रभ की आ गया आत्म ही धावै जीवन मुक्त सू कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तै नाही वियोग। तैसा सरवण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी कैसा मान कैसा अभिमान कैसा रंक कैसा राजान जो वरताई साई जोगत नानक सो पुरख कही है। ये जीवन मुक्त पुरश दियां निशानियां हन। मुक्त किस चार तरह की मुक्ति मन्नी है सलोक समीप सरूप ते सजुज सो लोक जिहदी उपासना करदे आ ना उहदे लोक दे विच जाके वसना सो लोक समीप जिहदी उपासना कर रहे हैं उहदे नेड़े वसना सरूप सरूप मुक्ति जिहदी उपासना कर रहे हैं उहदा सरूप बन जाना उहदे जिहा बन जाना सजुज जिहदी उपासना कर रहे हैं उहदे विच ही मिल जाना। ये चार तरह की मुक्ति है। प्रसाद संगत मुक्ति बापरी भी ज्ञानी त्याग है गुरमुख होर मुक्ति मंगदा है वह है जीवन मुक्त अवस्था ज्योंदियां जी चिंता तो मुक्त हो जाना बंधना तो मुक्त हो जाना तमाम दुखां तो बरी मुक्त हो जाना इहदा नाम है साध संगत जीवन मुक्त। मन किसी आनंद दे विच दुबदा खत्म हो जावे महात्मा कौन है आपां तां भेख देख के कह दिंदे आ ना महात्मा कौन है बाणी तो पुछो बाणी कहिंदी है सो मन मन कहिंदे महात्मा नूं कहिंदे सो मन जे दुबदा मारे कहिंदे बई ओ महात्मा जिन्हें दुबदा खत्म कर लई है सो मन जे दुबदा मारे
दुविधा मार ब्रह्म बिचारे, इस मन को कोई खोजो पाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। ओ है मुनि महात्मा जिन्हें दुविधा मार दी, दुविधा मार के ते ब्रह्म बिचारिया, सागल पसारा ब्रह्मी नजर आया, इस मन को कोई खोजो भाई, महात्मा बार नहीं खोजदा, ओ साध संगत अपने आप नूं ही खोजदा है। इस मन को कोई खोजो भाई, जदों खोजांगे मन खोजत नाम नौ निद पाई, फिर अंदरों ही रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिनी हाथ चढ़िया राम। सो जीवन मुक्त पुरश ते कथा हो रही है, ते जदों आख्या कहिंदे ओ सदा आनंद विच रहिंदा, उहनूं हरख सोग नहीं हुंदा, उहदी नजर विच सोना मिट्टी इक्को जिही है, ते अमृत ते जहर इक्को जिहा है। इक शंकावादी बैठा सी, शंकावादी उठ के खलो गया संगत विच, कहन लगा ज्ञानी जी ये एवें सिद्धांतक गल्लां ही ने कि सच है, आ जिहड़ियां गल्लां करदे हो कोई ऐसा दुनिया ते होया है जां होवेगा, जिहड़ा अमृत ते जहर नूं इक समझे, सोने ते मिट्टी नूं इक समझे। वो ज्ञानी सी, कथा करन वाला ही सी, अजे पूरा साध संगत अनुभव नहीं सी, पूरी कमाई नहीं सी, चुप कर गया। कहन लगा भी जो गुरबाणी विच लिखिया है तां सच, कहिंदे जे सच है तां विखा कोई ऐसा प्रेमी सानू विखा, जिहड़ा जहर ते अमृत नूं इक समान समझ लवे, विखा कोई है। वह नीवी पाली, अच्छा कहिंदे तू ही, तू कथा करदा भाई तू ही विखा दे सानू। साध संगत अजे कमाई नहीं सी, कथा कीर्तनी अजे कर रहा सी, अजे वो पूरी बख्शिश पूरी कमाई नहीं सी कीती कि उस मंजिल ते पहुंच चुकिया होवे जिथों दी गल कर रहे है। इत्थे बैठे भी आपां दिल्ली दी गल तां कर सकदे हां, पर जिहड़े पहुंच के ते जे कोई ओ गल करे उहदा आनंद कोई होर है। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਢਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਆਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੈ ਆਵਰ ਰਜਾਵਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਮਨ माने अपना संभाल तेनू होर नाल, माने अपना संभाल तेनू होर नाल, thank you।
कमाई नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई सिमरन नहीं, कोई सेवा नहीं, ते भई उपदेश करदा संसार नूं। पहला अपने महापुरख अपने मन नूं उपदेश करदे हुंदे, पहला मन प्रबोध है अपना पाशा वारे जावा, नहीं तो नहीं। ये गल बन जाएगी कि आवर उपदेश है आप ना करै, आवत जावत जन्मे मरे। कबीर, औरन को उपदेशत है मुख में पर है रेत, रास बेगानी राख ते खाया कर का के। अपना खेत उजाड़ दिया ते दूजे नू धन जोड़न दिया खेती संभालन दिया सलाहां दे रहे। आओ शंकावादी कहिंदा जी है कोई ऐसा जड़ा यार ते अमृत नू समझे इको जे, उन्हें नीवी जी पाली। बाबा खुदा सिंह जी लाहौर आले महापुरख, वो संगत विच बैठे सी, संगत विच सारे तरह दी प्रेमी होंदे आ संगत विच, चारे मंजलां दे पांधी बैठे होंदे आ। स्कूल होवे ना मैट्रिक तक दा दसवीं तक दा, उथे साध संगत फिर पहली दा छेवीं सतवीं दा विद्यार्थी की दसवीं दा सारे ही साध संगत अलहदा अलहदा जमातां दे जिहड़े स्टूडेंट विद्यार्थी होंदे बैठे होंदे। इसे तरह सत संगत विच सारे अजे वह भी ने जिन्होंने अजे शुरू ही करना दाखला ही लैना, ते वह भी होंदे जिहड़े किसे मंजिले मुकाम ते पहुंच चुके होंदे। बाबा खुदा सिंह जी बैठे उठ के खलो गए, कहिंदे प्रेमिया जे तेरी निशा ना ना होई, जे तेरा शंका ना दूर होया ते कल नू फिर शक करेगा गुरु नानक दी बाणी ते। हालांकि मैं कोई जीवन मुक्त नहीं, मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं, पर जेड़ी गल आ यार ते अमृत एदां कर, एक यार दा प्याला भर के मैनू लिया दे। मैं तां निमाणा जिहा सेवक हां, मत होंदी होए ए आना, तान होंदे होए नताना, अन होंदे आप वंडाए, को ऐसा भगत सदाए। सच है बई, माण होंदिया निमाणे बन के रहिंदे ऐ, सेवक प्यारे लगदे ऐसे ही पाउंदे। ओ माण होंदे आने माणे बन के रहिंदे
सानू लिया दे जहर दा प्याला भर के। ओदे कीता प्रेमी ने जहर दा प्याला भर दिया दा ते फड़ा दिता ते महापुरखा ने ला के मूंह नूं ते गड़ गड़ करके साध संगत पी गए। ते जिहड़ा कथा कर रहा उहनूं कह दिता भी कथा शुरू कर दे तू, कर दे कथा शुरू। उन्हें कथा शुरू कर दिती, डेढ़ दो घंटे कथा होंदी रही। महापुरख उस सुख विच आराम विच आनंद विच बैठे रहे। कथा की समाप्ति हुई ते उठ के अपने अस्थान वाल नूं चले गए। साध संगत रंचक मात्र भी दुख नहीं आया, जहर पीता होया सी। डेढ़ दो घंटा संगत विच सजे रहे, समाप्ति हुई ते अशोपले जे उठ के अपने अस्थान वाल चले गए। प्रेमी लभदा जिन्हें जहर दिता सी। जो महापुरख नहीं ना मिले फिर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरणी, फिर साध संगत खीमा मंगदा कहिंदा सच है, सच है भी ऐसे पुरख भी हन। तैसा सरवण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेख खाटी, जिन्हां दी बिरती इहो जी है। ये है साध संगत जिन्हां नूं आत्मा सुख मिल जांदा, पर मिलदा गुरु दी शरण आके। उत्थे दुख दा रंचक मात्र भी अभाव नहीं रह जांदा, पर गुरु की शरण आके प्राप्त होंदा। सतगुर आयो सारन तहारी, मिले सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी। पर जे गुरु की शरण तकीए, तकीए इदा कि अवरन अवरन सूझे दूजी ठाहर, हार परे तौ दुआरी। ए नहीं कि गुरुद्वारे भी आ गए ते साध संगत होर भी जिथे किसी ने दस पाई उथे भी जाए। वीरवार नूं लाला वाले दे भी चूरमे चाढ़ते जाके हिदा नहीं, इहनूं नहीं शरण आउणा कहिंदे। एक दे बण जाइए ते एक दे बणिया ही जीवन लंघ जावे, ये है शरण आउणा। नहीं तां बहुतिआं नूं तां गुरु ही नहीं पसंद आउंदे। साध संगत सवा कु महीना अमृत छक लिया, दो कु महीने नाम लै लिया ते फिर चार कु महीने जाके साध संगत कच्ची मिट्टी खा ली, गुरु नहीं पसंद आते। ये नहीं है शरण। आवरना सूझा दूजी ठाहर, कहते महाराज तेरे आ दर तो बिना ठाहर, मैनू होर कोई जगह सूझदी ही नहीं। आवरना सूझा दूजी ठाहर, हार परे तौ दुआरी, बस आही ठाहर है मेरी तो। हार परे तौ दुआरी, लेखा छोड़ लेखा छूटे हम निर्गुण लेहो अवारी। सतबख सिंध सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी, नानक दास संतन पाछे परयो। राख ले हो ए बारी सत गुर राख ले हो, संतन पाछे परयो राख लिहो ए बारी आओ। इना ही साध संगत समा प्रवान करना, गुरु शरण विच आओ। मन बच कर्म करके, मन करके तन करके सतगुरु दे बनो ते गुरु दे बन के साध संगत धर्म नूं धारण करके अपना जीवन सफला करो। भावें अज सेहत इजाजत नहीं सी देंदी, सवेर तो ही शरीर कोई ढिला सी, पर फिर भी
जिन्ना समा सतगुरां ने बख्शे आप संगतां दे प्रेम दे विच लाउणा कीता है। सो इसे तरह गुरु नाल जुड़े रहो, रहत वहत विच पक्के रहो, सिमरन गुर सेवा ते सुख उपजा होर थां सुख ना पाल। सेवा ते सिमरन दे विच सुख मिलना, नितनेम ना छड्डो कदे वी। पिछले दीवाना च गुरसिख दी रहत बारे आपने सरवण कीता सी, गुरसिख दी रहनी किहो जी होवे, आओ अगले दीवान विच जे कृपा कीती सतगुरां ने खुला समा ला के साध संगत सच दी बाबत विचार करांगे। परमहंस की हुंदा है, हंस की है, सच की है, सच दी प्राप्ति किदा हुंदी है, इहदे परथाए आपने सरवण कीता। आओ गुरु दी शरण पिया सुखां दी, सर्व सुखां दी प्राप्ति हुंदी है, दुख रह ही नहीं जांदा, दुख रह ही नहीं जांदा। साध संगत दुख खंभ ला के कितें दूर उड़ जांदा है। विशेनंद संसार है, भजन नंद हरिदास, ब्रह्मानंद जीवन मुक्त, भई वाचना नास, हरख अनंत सोग नह बिया, सो घर गुरु नानक को दिया। ते दूसरी विचार भई कि आप संगतां दी, क्योंकि पिछले दिन ही दस कु दिन जलंधर वाले पासे जाण दा समा मिलिया, साध संगत इधर कुछ लोगों ने ऐसे ही प्रचार शुरू कर दिता कि बाबे खेड़ी नूं छड्ड के चले गए है। तो आप संगतां ते इहदा काफ़ी असर, काफ़ी संगत आई, ऐसी कोई गल नहीं, क्योंकि संगत सारे पासे पिछले दिन ही आ 15 ते 16 तरीक दे राजस्थान वाल दीवान सी, संगतां दे प्रेम दे विच सारे पासे जाना पैंदा है, कई बार समा वध भी लग जांदा है, पर आप संगतां नूं सचेत रहना चाहिए। माड़ी माड़ी गल सुन के इदां ही बात दा बतंगड़ बना लेना, इदां हो गया जी पिछले दिन अखबारां च आई ना चर्चा, ते साध संगत अद्धे दा डरदे उहीं आउणा ही हट गए, पता नहीं की हो जाणा हुण, पता नहीं किहड़ा हुण इहनां ते पहाड़ टुट जाणे, की हो जाणा। साध संगत दुखां दा समा जिहड़ा हुंदा ना, इस समय के बदल थोड़ा चिर ही आया करते हैं, सूरज फिर चढ़ आता है, पर बहुत जड़े कच्चे पेले होंगे है, नाले सानू ये गल का पहला पता लग चुका सी, आ पूर्णमाशी तो पहली पूर्णमाशी संगतां नूं दस्या भी सी, पता है ना, पर समा टल गया है तो साढ़े ते सी, पर इन्हें भी जथे वालियां ते टल गया, सानू पता पहले लग चुका सी, दस्या भी सी संगतां नूं। सो साध संगत ऐसा समा देख के घबराया ना करो, संगत सबर विच ते चढ़दी कला दे विच रहा करो। इदां ही ना गल सुन के सच्ची मुच्ची पता नहीं बाबे खेड़ी छड के चले गए, भी खेड़ी छड के हुण किधर जाना, हाँ कुछ समय वास्ते संगतां दा प्यार हुंदा है, जाना आना सारे पासे ही साध संगत पैंदा है, पर जो जिस जगह नाल जुड़े होइए रहना तो उत्थे ही पैंदा, जाना सारे पैंदा, क्योंकि संगत सारे ही है, आप संगतां वर्गे सारे प्यार करदे है, ते इस करके माड़ियां माड़ियां गल्लां सुन के बहुता कोई चिंता ना करया करो, सतगुरु दी सतगुरु दे चरणां विच चढ़दी कला वास्ते अरदास करया करो। तुद बाज प्यारे केव रहा, सावड़े आई दे जित नाम तेरे लाग रहा। बस यही ही अरदास, जिवें बाबा आनंद सिंह जी महापुरख कलेरां वाले कुच्चू वाले महापुरख बाबा हरनाम सिंह जी आखन लगे, कहिंदे बाबा जी रिखी जी, वह रिखी जी आख्या करदे सी कलेरां वाले महापुरखां नूं, कहिंदे मंग लो कुछ, कुछ मंग है मंग लवो, ते कलेरां वाले महापुरख कहिंदे बाबा जी जे प्रसन्न होयो इक्को ही मंग है वह मंजूर कर देवो, सूई दे नके जिनी जगह ते भी मेरी मेर ना रहे। की मंगे है, मांगो राम ते इक दान, सागला मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम, कहिंदे जे कुछ देना ते यही कृपा कर दियो, सूई दे नके जिनी जगह ते भी साड़ी मेर ना रहे, एहो ही अरदास साड़ी गुरु चरणा विच कर दियो।
ਸਵਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛਕਿਆ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਗੂਰੇ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਵੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਸ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਪਤੀ।